हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, फैटी इसके अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हम हल्का थोड़ा सा ये प्रोटीन्स के बारे में, इनकी ये जो प्रोटीन्स है, एक पेरिफेरल प्रोटीन्स है, एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स है। तो देखो, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है इनका इतना कोई खास रोल है नहीं, इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है ये इस फ्लड विजुक जो फ्लड जो है ना, ये फ्लड विजुक मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का, तो ये तरलता जो कि तरल होती है, फ्लड मतलब तरल, तो इसके अंदर इनका जो स्थान है वो निश्चित नहीं है, ये घूमती रहती है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है, इस तरह से आइस जो है वो पानी में घूमती रहती है, तैरती रहती है और कहीं भी जा सकती है, उस प्रकार से ये पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। बट ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है जिनको हम समाकलित प्रोटीन्स कहते हैं, इनका स्थान फिक्स होता है। ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स या इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है, ये अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का कार्य इन्हीं का होता है। अब ये जो प्रोटीन्स है ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार निकली होती है ना, सेल मेम्ब्रेन के आर पार निकली होती है ऐसे, इस तरह से इधर साइटोप्लाज्म से है और इधर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है सेल वॉल के नीचे उसके साथ जुड़ी होती है। अब अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो ये जो प्रोटीन्स होती है ये दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसी जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन से होकर इस तरह से केवल सिंगल यूनिट जाए, इस तरह से ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन केवल सिंगल यानी एक बार ही पार कर रही है, दोबारा नहीं करती है, तो इस प्रोटीन को हम कहते हैं सिंगल पास प्रोटीन, सिंगल पास प्रोटीन, यानी कि एक बार ही ये सेल मेम्ब्रेन को पार कर रही है, पास कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं हम सिंगल पास प्रोटीन। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन, तो ग्लाइकोफोरिन इज ए सिंगल पास प्रोटीन। अब ग्लाइकोफोरिन पाया किसमें जाता है, तो ग्लाइकोफोरिन जो प्रोटीन है ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो देखो, हमने पहले बताया था कि भाई सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी है वो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को निकाल कर की गई है, तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से स्टडी किया गया है, तो उसके अंदर पाया कि जो सिंगल जो ग्लाइकोफोरिन जो प्रोटीन होती है ये सेल मेम्ब्रेन को इस प्रकार से केवल एक बार ही पार करती है, तो ये एक सिंगल पास प्रोटीन है। उसके बाद एक प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को कई बार क्रॉस करती है, ठीक है, कई बार उसके आर पार निकलती है, इस तरह से मान लो ये निकले ऐसे, इसे हम कहते हैं मल्टी पास प्रोटीन, इसका नाम है मल्टी पास प्रोटीन। मल्टी पास प्रोटीन और एक एग्जांपल है बैंड थ्री प्रोटीन ऑफ आरबीसी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी पास प्रोटीन। तो जब कोई प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को कई बार पार करती है, यानी कई बार क्रॉस करती है और इस प्रकार से ये संरचना बनाती है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी पास प्रोटीन और इसका एग्जांपल है बेंड थ्री प्रोटीन इन आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर ऐसा नहीं कि ये प्रोटीन जो है वो अकेले पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती है और बहुत सारी प्रोटीन्स वो सिंगल पास में हो सकती है और ये मल्टीपल पास में हो सकती है। अब ये जो प्रोटीन्स होती है ये प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के आर पार है, तो ये विभिन्न प्रकार के चैनल्स, पोरिंस एंड कैरियर्स बनाती है, जो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स को सेल के यानी कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक और एक प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बैक्टीरियो
रोडोप्सिन, बैक्टीरियो रोडोप्सिन प्रोटीन बैक्टीरियो रोडोप्सिन क्या है? देखो, एक बैक्टीरियो रोडोप्सिन एक लाइट एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप है, लाइट एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप है, यानी कि ये ऐसे पंप है जो एचआयनों को सेल मेम्ब्रेन से इधर उधर करते हैं, मतलब अंदर से बाहर की तरफ निकालते हैं। अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरियोडोप्सिन में, और वो जो मॉलिक्यूल है वो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग क्रोमोफोर, जिसको हम कहेंगे क्रोमोफोर। तो ये क्रोमोफोर का काम क्या है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और पर्पल कलर बनाता है, पर्पल कलर देता है, यानी कि लाइट जैसी एब्जॉर्ब करेगा पर्पल कलर बनाएगा, इसको हम कहते हैं रेटिनल, इसका एक नाम और है रेटिनल, लाइट एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप का एक नाम और है रेटिनल। तो ये रेटिनल जो है वो विटामिन ए से रिलेटेड होता है, विटामिन ए अब एक क्रोमोफोर जो वर्टिब्रेट आई के अंदर पाया जाता है उससे रिलेटेड होता है। जब ब्राइट लाइट आती है, यानी देखो ये जो लाइट एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप इस तरह से है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये पाई जाती है, एक दो तीन चार पांच छह सात बार पाई जाती है भाई, ये सेवन, इसमें सात अल्फा हेलिसेस या अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो है वो सात बार इस तरह से इस सेल मेम्ब्रेन को पार करती है। तो दिस इज ए मल्टीपास प्रोटीन, बैक्टीरियल रोडोप्सिन इज ए मल्टीपास प्रोटीन फाउंड इन हेलो बैक्टीरियम, हेलो भी ये जीवाणु है, हेलो बैक्टीरियम हेलो भी ये जीवाणु है, हेलो बैक्टीरियम हेलो भी के अंदर ये पाई जाती है, सात बार इसे पास करती है, सात अल्फा हेलिसेस पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं सेवन सिस्टर प्रोटीन। ये भी याद रखना कि सेवन सिस्टर प्रोटीन के नाम से कौन विख्यात है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। और प्रत्येक अल्फा हेलिसिस के अंदर 25 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ज्यादा याद ये रखना है, ये रखना है, और ये सेवन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो सेवन सिस्टर प्रोटीन्स है, ये याद रखना है। दूसरा बैक्टीरियो रोडोप्सिन एक लाइट एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप है। अब ये करता क्या है देखिए, इसकी फंक्शन क्या है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो इसके जो ये प्रोटॉन पंप है ये एक्टिवेट होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनकी साइटोप्लाज्म एचआयन होते हैं, तो ये एचआयनों को इस जगह से निकाल के यहां डाल देते हैं, और ब्राइट लाइट में पर सेकंड ये बहुत सारे मॉलिक्यूल या बहुत सारे एचआयनों को बाहर निकालता है। अब जब ये लाइट के अंदर ये पंप एक्टिवेट होते हैं ना, तो उस समय ये सिर्फ एचआईनो को बाहर निकालने का काम करते हैं, तो ये भी लगातार एचआईनो को बाहर डालते रहेंगे। अब एक ग्रेडियंट यहां पर बनेगा बाहर और साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो कंसंट्रेशन ऑफ एचआईन है उसमें परिवर्तन हो जाता है, अर्थात एक ग्रेडियंट बन जाता है, और उस ग्रेडियंट के बनने के कारण अब एचआईनो का अंदर आना बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वन टाइप ऑफ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये जो एचआईन है ये वापस से यहां पर आते हैं, लेकिन ये किसी और प्रोटीन से, तो यहां पर हम देख सकते हैं एटीपेज एक प्रोटीन होती है उससे आते हैं, तो वो एटीपेज की सहायता से यहां पर आते हैं, तो यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो जीवाणुओं के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन करने के लिए बैक्टीरियल रोडोप्सिन प्रोटीन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये पंप है बाहर निकाल रहा है, बाहर से अंदर जब ये आ रहे हैं वापस साइटोप्लाज्म में लौट कर, तो ये प्रोटीन का सॉरी एटीपी का निर्माण कर रही है, अर्थात एनर्जी का निर्माण कर रही है। तो दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोटीन इन बैक्टीरिया, हेलो बैक्टीरियम हेलो।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोरिंस चैनल्स कैरियर प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट में काम आएंगे। ये थोड़ा सा बताना था प्रोटीन्स के बारे में। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।